राधे, तो हम हैं बांके बिहारी जी के गेट के प्रवेश द्वार पर। यहाँ से है गेट नंबर 2 आगे, और यहाँ से सीधे ही जाती है श्री राधा वल्लभ जी मंदिर की रास्ता। तो हम देखेंगे हम श्री राधा वल्लभ जी मंदिर जा पा रहे हैं कि नहीं, कि राधा वल्लभ जी मंदिर वाले मार्ग में यमुना जी का पानी भरा हुआ है, जल स्तर वहाँ पर भी आया हुआ है। तो हमारे साथ देखते रहिए वीडियो। और ये देखिए, यहाँ से बिहारी जी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं, और गेट नंबर 2 से भी श्रद्धालु का प्रवेश कंटिन्यू है। तो हम चलते हैं इस समय राधा वल्लभ जी के वाले मार्ग में, और वहाँ देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। और यहाँ प्रशासन की पूरी तैनाती है सुरक्षा के लिए। तो हम चलते हैं राधा वल्लभ जी मंदिर वाली गली में, और देखते हैं राधा वल्लभ जी मंदिर वाली, ये देखिए श्री राधा वल्लभ जी मंदिर वाले मार्ग में जल भरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो है श्रद्धालु पानी में से होकर निकल रहे हैं, और ये जो सीधी रास्ता गई है उस पूरी रास्ते में यमुना जल भरा हुआ है, पूरी रास्ते में यमुना जल भरा हुआ है। ये पूरी रास्ता पैक है राधा वल्लभ जी मंदिर की। ये देखिए राधा वल्लभ जी मंदिर की सामने वाली रास्ता पैक है, मैं आपको जूम करके दिखा दूं। और तो राधा वल्लभ जी मंदिर जाने के लिए हम दूसरे रास्ते का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पूरे रास्ते में यमुना जी का जल जो है भरा हुआ है, ऐसे देखिए बैटरी लेकर आ रहे हैं। तो हम चलते हैं दूसरे वाले रास्ते से श्री राधा वल्लभ जी मंदिर, और यहाँ पर ये पानी जो है ये गंदा पानी है, ये यमुना जल नहीं है, ये गंदा पानी है, क्योंकि यमुना जल एकदम शुद्ध है। तो हम चलते हैं दूसरे रास्ते से श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। तो आप वीडियो को देखते रहिए, हम आपको वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन कराएंगे कि कहाँ पर पानी आया है, कहाँ पर नहीं आया है। बस आपको करना क्या है, हमारा पुराना वृंदावन यूट्यूब चैनल को देखते रहना है। ये देखिए अब आप खुद ही देख लीजिए क्या स्थिति है श्रीधाम वृंदावन की इस समय। तो हम आपको अभी राधा वल्लभ जी मंदिर से आगे हम ऐसे ही आपको सभी मंदिरों के दर्शन कराएंगे कंटिन्यू। ये देखिए श्रद्धालु जो हैं ये दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पानी में से निकल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ की दुकानें बंद हैं क्योंकि यहाँ पर ये पानी की वजह से दुकानदारों को भी यहाँ पर लॉस हो रहा होगा, क्योंकि और फिर क्या श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी सामग्री नहीं मिल पा रही होगी पूजा के लिए, ना प्रसाद मिल पा रहा होगा, कुछ दुकानें यहाँ की बंद हैं। अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दूसरे वाले गेट से दर्शन करने के लिए। दूसरे वाले गेट से हम निकलेंगे श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। ये देखिए संत भगवान भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी महाराज के, इसी पानी में से गुजर के। चलें चलें आओ चलो। तो हम चलते हैं श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के गेट नंबर 2 की तरफ। तो वीडियो को हम एंड नहीं करेंगे, दर्शन करेंगे गेट नंबर 2 से जाके। ये गली बताती है, ये छोटे छोटे बच्चे आपने देखे जा रहे हैं। तो अब आपको दर्शन कहाँ से होंगे, राधा वल्लभ जी मंदिर के दर्शन करने के लिए दो रास्ते हैं, एक जो पीछे जुगल घाट वाला पूरा डूबा हुआ है। अब चलते हैं दूसरे रास्ते की तरफ। तो राधा वल्लभ जी मंदिर यदि आप दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखनी है और शेयर भी करना है जिनको राधा वल्लभ जी मंदिर दर्शन करने आना है। Hello।
और यहाँ से रास्ता जाता है लेफ्ट हैंड की तरफ, तो वहाँ से हम चढ़ जाएंगे श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में। तो हम बस पहुँचने ही वाले हैं राधा वल्लभ जी मंदिर की तरफ। तो राधा वल्लभ जी मंदिर के गेट के बाहर हम वीडियो को दिखा के और आपसे वहीं की वहीं से ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाएंगे। और वृंदावन के कई निचले इलाकों की लाइट बंद कर दी गई है, लाइट नहीं है वृंदावन में पानी की वजह से। अब यहाँ से मुड़ेंगे हम लेफ्ट हैंड के लिए श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के लिए। देखिए बोर्ड भी लग रहा है श्री राधा वल्लभ मंदिर मार्ग, तो इस गली में से हमको होते हैं श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन। तो हम पहुंचने ही वाले हैं श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। तो हम आई गए श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के दूसरे वाले गेट पर, जहाँ से हम दर्शन करेंगे श्री राधा वल्लभ जी का। और वहाँ राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के पश्चात हम जाएंगे फिर दूसरे जगह आपको बताने के लिए कि कहाँ के दर्शन हो रहे हैं कहाँ के नहीं। दर्शन तो सभी मंदिरों के हो रहे हैं, लेकिन मंदिरों तक पहुँचने वाले मार्ग हमारे लिए सुगम है कि नहीं। तो ये देखिए हम आ गए श्री राधा वल्लभ जी मंदिर पर। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरि वंश अंदर। तो हम चलते हैं श्री राधा वल्लभ जी मंदिर की तरफ। राधे राधे। तो देखिए हम आ गए श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में अंदर। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शनों के लिए लाइन लगी थी, इसलिए हम आगे नहीं गए, पीछे से ही लौट कर आ गए। लेकिन श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में एकदम इतना रश नहीं है, तो इसलिए हम अंदर आ गए हैं मंदिर में। तो आपने देखा श्री राधा वल्लभ जी मंदिर जाने के लिए दो रास्ते थे, एक रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है और दूसरा रास्ता ओपन है। तो यहाँ से आप श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर सकते हैं। राधा वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो देखिए हम आ गए श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में। और यहाँ पर लगा हुआ है झूला उत्सव की ये जो डिटेल्स है, आप फोटो ले लीजिए, यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में अंदर। ये देखिए मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत कम रश है। अभी हम दर्शन करेंगे श्री राधा वल्लभ जी के, उसके बाद फिर हम चलेंगे दूसरे मंदिर में। राधे राधे। तो अभी दर्शन खुलने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम दर्शन फिर करते हैं आगे। जय जय श्री राधे।